कितना फर्क लगता है जब आप तुर्की से पाकिस्तान आती है? ये सवाल क्यों किया तुमने मुझसे? ये सवाल ना करते मुझे लगा खींच के मारेंगे आप तो खबरदार। ये सवाल जो है मेरी बहन से पूछना चाहिए आपको। हाँ। सुबह ही मुझे शोर करके बता रही थी। आपा ने? मैं हाँ आपा कहती है। मैंने कहा आपा ये लाइट सही नहीं, क्या है जब से आई हो सेटिस्फाइड ही नहीं हो किसी चीज़ से? कभी कहती हूँ लाइट नहीं है, कभी गर्मी से मैं पागल हो रही हूँ। हाँ। क्योंकि अब माशाल्लाह पौने दो साल हो जाएंगे मुझे वहाँ, और वहाँ मुझे पसीना नहीं आया पूरे पौने दो साल। हाँ। अगर आया भी होगा तो बीच पे आया होगा, अगर जब हम जाते हैं वो भी इतनी हवा चलती है। हाँ। आता है पानी में चले जाओ और आप ठीक हो जाओ। लेकिन मैं जब इससे यहाँ आई हूँ मैं मेरा जो मूड है ना वो ख़राब सा रह रहा है, क्योंकि इतनी मुझे ह्यूमिडिटी और गर्मी लग रही है और हर जगह एसी ढूंढ रही होती हूँ। और मैंने पहला सवाल भी तुमसे यही किया था, आई होप यू आर स्ट्रॉन्ग एसी है। स्ट्रॉन्ग देखिए स्ट्रॉन्ग एसी है। हाँ स्ट्रॉन्ग एसी है। आई थिंक हर चीज़ आदत पे, इट्स नॉट दैट आई डोंट लव माय कंट्री, ऑफ कोर्स आई लव माय कंट्री एंड आई डू कम हियर एवरी ईयर टू मीट ऑल माय फ्रेंड्स माय फैमिली, बट सैडली सैडली व्हाट इज हैपनिंग इज रियली सैड। और मरियम आप देखें एक क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वो मौसम बदल रहा है कराची का। कराची का क्या वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज इज एवरीवेयर। एग्जैक्टली। और अभी भी कराची में तो हम इस तरह देखते हैं कि एकदम से सुबह इतनी तेज धूप होती है और छट कर गए धुआंधार बारिश होती है। लेकिन मसला ये है कि जब बारिश होती है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर एनीमोर, नॉट एक्चुअली देयर, इट्स नॉट एग्जिस्टेंट। यस इट्स यू कांट केटर टू रेन्स। हां वी कैन डेवलप नहीं है तो जाहिर है फिर लोगों को तकलीफ होती है। अब टर्की में इस्तांबुल में हर वक्त बारिश होती है पूरे पूरे दिन, चार चार पाँच पाँच दिन, क्योंकि पता ही नहीं चलता क्योंकि बाहर निकलो पानी होता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मरियम आप एक बड़ी गो गेटर किस्म की खातून है, आपने माशाल्लाह जो सोचा वो आपने किया। आप बैंकिंग में थी पहले, उसके बाद फिर आपने अपना सैलून किया, यू बिकेम अ मेकअप आर्टिस्ट, आप मेकअप और हेयर करती रही। आई डिड माय ओन मेकअप एंड माय हेयर। क्या बात क्या बात है, ये जो आप आज फेरा फॉसेट बन के आई है ये मुझे नजर आ रहा है, थैंक्स टू इस्तांबुल, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ मरियम, एक चीज़ जब ये जर्नी के बारे में आपकी सोचते हैं हम, कि आपने पहले बैंकर थी फिर आप टेलीविजन में आ गई, मेकअप आर्टिस्ट भी थी, व्हाट नहीं, अभी आप रियल स्टेट कर रही हैं इस्तांबुल में, तुर्की में, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप मरियम की जो कंपनी है उससे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मरियम वर्क फॉर आज़ाद ब्रदर्स एंड बेचारा मेरा बॉस सुन रहा होगा, अगर ने बेचारा भी लैंड करा है वो भी इज ऑल्सो हियर, तो बेहोश हो जाएगा कि मैं ड्रामे में आ रही हूँ, मेरे का कंपनी का क्या होगा। लेकिन मरियम मुझे बताया व्हाट नेक्स्ट, ये शुरू से आप ऐसी थी या आपका एक एटीट्यूड ही ऐसा? एक गाना गाना रह गया बस जिंदगी में, वो भी मुझे बहुत करना था कि मैं सिंगर बन जाऊँ। हाँ। और मैंने कोशिश भी की म्यूजिक सीखने की, लेकिन ऑल ऑनेस्टली मुझसे म्यूजिक मुझे समझ ही नहीं आया, कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन गाने का बेहद शौक है मुझे। और अदनान सिद्दीकी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और वो मेरे लिए हारमोनियम बजाता था, आधे में कहता था यार छोड़ दो तुम नहीं गा सकती, तो मैं ना कोई अकल है ना कोई सोच है ना कोई तुम्हें लय पता है ना कोई तुम्हें ताल पता है, लेकिन गाने का बहुत शौक है, बस यही रह गया। और मरियम इतना अच्छा गाना गाती है, मुझे याद है मैं और मरियम हम लोग मरी में शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग खत्म होते होते तकरीबन देर हो जाती थी, तो मैं मरियम किंजा हाशमी और फहीम भाई हमारे डायरेक्टर हम चार लोग बैठते थे खाना खाते थे और मरियम हमें गाने सुनाती थी, इतना मजा मरियम वैसे कसम से टाइम फ्लाइज, सोच उस बात को भी दो साल बीत गए, दो साल हो गए एकदम से, इतना अच्छा टाइम गुजरा उस शूट पे हमारा, वी वर सो हैप्पी देयर, मरी में भी थे हम। अच्छा मरियम मुझे बात बताओ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या फोर्सी करती हैं जिंदगी में, मुस्तकबिल में क्या प्लान है? एज उनसा सेड द डे आई गेट बोर्ड समथिंग डिफरेंट, कोई स्विच कर, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट व्हाट शी सेड बिकॉज आई एम लाइक दैट, मैं बहुत मुझे चेंजेस करना होता है, मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए टू लुक फॉरवर्ड टू गो अहेड, देयर हैज़ टू बी समथिंग इन माय, आई कैन नॉट सिट इन द हाउस एंड बी अ नाइस स्वीट हाउस वाइफ, के घर में खाना भी बहुत पकाती हूँ, इस्तांबुल में एंटरटेन करती हूँ बहुत गेस्ट, हर वक्त कोई ना कोई प्लान, आई एम नॉट द टाइप टू बी सिटिंग। और आपके घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं हमेशा सबके लिए, ये तो मैं मानता हूं, आई लव एंटरटेनिंग, आई लव कुकिंग फॉर पीपल, आई जस्ट लव पीपल, आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई नो ऑफिस में भी पीपल्स पर्सन थी, वहाँ भी यही हाल है, ऑफिस भी मेरा पूरा माई होल ऑफिस इन इस्तांबुल, दे कॉलिंग मी, दे सेइंग वी मिसिंग यू, वी लव यू, अभी भी लगे जल्दी वापस आए।